किसी को कुछ नहीं बना रहा, किसी को कुछ नहीं दिखा कर रहा। मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, आपने मानना है, मानो नहीं मानना ना मानो, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ट्रेंड्स बाय मार्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे डॉक्टर मदीहा और एमजे एहसन की। वो फंस गए हैं एक बड़ी मुश्किल में, वो मुश्किल क्या है वो जानेंगे आप इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे रीजन पता लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमजे एहसन ने लाहौर की मुतासर लड़की के हक में वीडियो बनाई थी, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनको, वो एक सोशल कंटेंट क्रिएटर है और उनको एक साथ ज़्यादा सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो उन्होंने जैसे ही उस वीडियो को एंड किया, तो उसके साथ ही उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। वो वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर मौजूद तो नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर चुके हैं, लेकिन वो उस पर वीडियो बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उन्होंने उसके हक में काफ़ी सबूत दिए हैं कि मेरी गलती नहीं थी, और डॉक्टर मदीहा भी उनके हक में बोल पड़ी कि वो आखिर क्या वजह थी। एमजे एहसन ने इस बात की माफ़ी भी मांगी कि अगर आप लोगों को बुरा लगा है, वो जानते हैं कि उनकी गलती है। उन्होंने एक सबूत भी पेश किया है अपने फैंस के सामने ताकि उनके फैंस उनके बारे में कुछ बुरा ना सोचें, वो आप देखेंगे इस वीडियो के एंड पर। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉक्टर मदीहा और एमजे एहसन की पूरी लाइफ। अब देखें मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। जलने की स्मेल क्या आ रही है? नहीं वो है ऑन। आए कमेंट्स? आए पता नहीं कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे। हाँ ठीक है, मुस्कान डॉट हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी इंस्टाग्राम ने मुझे वार्निंग दी है कि आपका अकाउंट जो है वो उसके ऊपर सेंसिटिव वॉयलेशन के मार्क बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम लोग दोबारा से बात कर लें थे क्योंकि कमेंट सेक्शन शो नहीं हुए थे कि मेरी एक वीडियो थी जो मैंने बनाई थी मीनार पाकिस्तान 14, जो हमारी बहन के साथ एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके एंड में ना, क्योंकि मैंने ये किया था कि मैंने, अगर आप वीडियो देखें वही कि मैंने पॉज लेके, ठीक है, उसके बाद मैंने डांस स्टेप किया था, बेसिकली डांस किया था। वो ये था कि मेरी और भी, मैं ज़ाहिर बात है वीडियोस बनाता हूँ और प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाता हूँ वीडियोस, तो मुझे अभी रात का टाइम था, जल्दी वीडियोस कंटिन्यू में बनानी थी क्योंकि रिंग लाइट का मसला था, लाइट उस वक्त का प्रॉब्लम कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो वीडियो आगे बनानी थी बट वो वीडियो मैं क्रॉप किए बगैर ना, जहाँ तक क्रॉप थी वो किए बगैर मेरे से अपलोड होगी बाय मिस्टेक। और अल्लाह तवक्कल ये हुआ, काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे टैग कर रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे अकल है कि मुझे क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना। मेरी बीवी साथ खड़ी है, मैंने अभी पहले भी कहा है, और मेरे घर में बहनें भी हैं, मुझे भी पता है क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना। 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। आप लोगों ने जितना क्लिप देखा है उसको जज करते हुए बिल्कुल सही है, आप लोग सही बोल रहे हैं, सही गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी स्टोरी तो जान लेना। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तवक्कल मतलब कहते हैं ना, बीवियाँ जो होती हैं वो आपकी बहुत आपके लिए अच्छी साबित होती हैं। इतफाक से ये मेरी और माहर भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो बेचारे भी परेशान बैठे हैं, उनको सोशल मीडिया का भी इल्म भी नहीं है, तो वो आके वो भी बीच में बोल रहे थे कि ये हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो ये स्नैपचैट बना रही थी, मैं आपको स्नैपचैट दिखा भी देता हूँ, मैं अभी आपको माहर भाई दिखाएं। इत्तफाक से ये आगे की स्नैपचैट बना रही थी, जिस वजह से आपने नोट किया होगा कि एंड में मैं हंस पड़ा था। उल्टी सीधी 4-2 हो गया। भाई आपको माना का बीच में वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो कंटिन्यू है, इनकी स्नैपचैट है, बैटरी लो है, रिंग लाइट की बैटरी लो है यार, कंटिन्यू रखो। आना तो आ रहा है यार, यहां आना तो था, तुम जाओगे सामने, सेम वीडियो कंटिन्यू करूंगा, मैं क्रॉप करूंगी यार। ये वीडियो भी है, अल्लाह तवक्कल ये हुआ है कि हमारे पास वीडियो भी है। मैंने इस वजह से वीडियो मेरी इत्तफाक से ही जो है, मेरी जो स्टोरी भी मैंने लगाई है वो भी मेरी हट गई है, और मेरी वो वीडियोस भी, और मेरी स्टोरी भी हट गई है मैंने, और हमारे पास वो भी स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम की तरफ से जिसमें उन्होंने हमें वार्निंग दी है। मैं तो ये डर रही हूँ कि मैं कुछ बोलूंगी तो वो इंस्टाग्राम मेरी आईडी ब्लॉक कर देगा। इवन हमें इंस्टाग्राम की तरफ से वार्निंग भी आई है, वार्निंग आई हुई है कि नहीं डालें, अकाउंट डिलीट हो जाएगा, अकाउंट डिलीट हो जाएगा, मेरे पास तो आई हुई है वार्निंग। बहुत फनी था वैसे यार वो, हम वीडियो बना रहे थे, मिस्टेक थी, लेकिन आपको मैं फिर बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने उसको पॉज लिया है,
अगर आप देखें, अगर ऐसे यार इतनी अकल मुझे भी है, पढ़ा लिखा हूँ, हर चीज़ है, मुझे भी इतनी अकल है। लोग जो होते हैं वो एक सेकंड से पहले जो होते हैं वो कर देते हैं, ना बना भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बना रहा, किसी को कुछ नहीं दिखा कर रहा, मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, आपने मानना है, मानो नहीं माना ना मानो, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे क्या होता है। वो मुझे अपना इंस्टाग्राम का दिखाना चाहिए, इंस्टाग्राम में डिलीट योर अकाउंट। हाँ बल्कि मेरे वाला स्क्रीन छोड़ दो, अपना वाला छोड़ो, मेरा दिखाओ। वॉयलेशन आई है, कोई स्क्रीनशॉट ही लगाया, मतलब मैंने वैसे ही लगाया था, उसके ऊपर स्टोरी लगाई थी, तो वो इंस्टाग्राम अलाउ नहीं कर रहा। सेंड किया है ना, साइबर साइबर क्राइम। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। Your account may be deleted. Your ring light की लाइट। Your account may be deleted. ठीक है, ये आगे उसकी proper warning भी है। ये warnings हाँ। Proper warning भी है। तो खैर ये story थी, जो लोगों के गलत comments आ रहे हैं और tag आ रहे हैं, crop किए बगैर ऐसे नहीं लगा। लेकिन still जिनका देखे बगैर अगर दिल भी दुखा है, मैं फिर भी कह देते हैं कि सॉरी करने से किसी का जाता नहीं, माफी मांगने थे, मैं तो स्टिल सॉरी कर देता हूँ। वाई आर यू गिविंग एक्सप्लेनेशन यार, लोग ना टैग कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, मुझे आज तक ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, तो मुझे अफसोस हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं ये क्या किया है, ये कैसे हुआ है, ये उस वजह से। इवन तो मैंने एक प्रॉपर एक पॉइंट वाली बात की थी कि वहां के गार्ड्स को देखें, वो देखें, हम सुबह से यही ये मैं फैमिली हम लोग यही चीजें देख रहे थे, इवन वो भी हमें कह रहे थे कि आप वीडियो आप दोनों क्यों नहीं अपलोड कर रहे। बल्कि मैं तो ऐसे को कहती थी, ऐसे हमने और वीडियोस भी बनानी है, तो इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाए, ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे वीडियो क्यों नहीं बनानी चाहिए, बहुत ही गलत हुआ है। गालियां देने थे यार, नहीं यार मुझे आज तक या फर्स्ट टाइम मुझे आज तक इस तरह नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, तो इस वजह से मैं थोड़ा दुख हो रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके फैन थे और आपने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे वैनी सेज आपने दोबारा वीडियो कैप्चर किए, ना ही हम बहुत ज्यादा फारिग हैं, ना ही हमें जरूरत है कि किसी को एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन यस जिन लोगों का दिल दुखा है कि भाई ये क्या ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आंसर है। मतलब कुछ भी, मतलब असल मतलब मैं वो इत्तफाक से अगर काश मेरे पास वो रियल मैं वीडियो ना स्टॉप की होती ना, मेरे पास वीडियो होती मैं वो दिखा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि मैं ये क्यों हरकत करूंगा। आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दें, लेकिन बताना फर्ज है क्योंकि क्या हुआ, कुछ ये भी है कि जिनको कुछ को वो आलू बज लाइट ईयर एक है ब्लॉगर, उनकी भी हमने स्टोरी देखी है, मेरी उनसे पहले अच्छी सलाम दुआ भी थी, सब थी, वो भी मुझे जानती हैं बड़े अच्छे से, उन्होंने भी स्टोरी लगाई और भी एक दो लोगों ने फेम लेने के लिए लोग स्टोरी लगा छोड़ देना, वो अपने लिहाज से सही भी होंगे कि वो कह रहे होंगे ठीक है, लेकिन उनको भी मेरा पता है कि मैं पागल नहीं बैठा हुआ जो मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पे ये चीज करूं। क्या नाम है उनका, कौन है यार उनका नाम जेन से निकल गया, वैसे उनकी आईडी का नाम मालूम पता नहीं क्या नाम है, इस तरह करके मात्र हम तो परेशान क्यों है, इधर तो आए क्या, ये सब कुछ ये इंसान की वजह से हुआ है, इन्होंने आना था एक्चुअली वीडियो में, ये इंसान की वजह से भाई ये कंफ्यूज बहुत करती है, बहुत इस वजह से मैं कंफ्यूज करती हूँ, मैंने सिर्फ रिंग लाइट का कहा था कि ऑफ हो जाए, तो शुक्र है स्नैपचैट ने मना कर रहा है, स्नैपचैट तुम्हारा बन गया तो इसलिए हमारे पास तो नहीं, वैसे एक्सप्लेनेशन ना भी देते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने ऐसन को कहा कि ऐसन हमने कोई सेंसिटिव फर्ज बनता है बिल्कुल बताना चाहिए कि क्या, मैं सुबह उठ के फिर वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर वो लेकिन अकाउंट डिलीट हो जाएगा यार, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी वो किसी और तरीके से वीडियो अपलोड हो जाए। उम्मीद थी हुआ तो सोशल मीडिया पता नहीं क्या कमेंट था, काफी शेयर हो रही है, अगर आपके पास भी आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, चल आउट। और वैसे भी एक और बात मैं आपको ये भी कहूंगा कि लोग जितने भी इस चीज के ऊपर भी अगर बोल रहे हैं ना, अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, और या जो चीज पे कर रहे हैं वो भी कोई अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो भी उल्टा काम करके पूरी जूम इन हर चीजें करके वो फिर आके वो भी बोल रहे होते हैं। खैर एनीवेज जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया, और बाकी और कुछ नहीं करना। फाहद आतिफ झूठ, अच्छा हाँ हाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है फरिश्ते साहब दोबारा अकाउंट होगा तो हम आपको दोबारा सपोर्ट करेंगे, थैंक यू सो मच।
दोबारा अकाउंट नहीं उड़वा नहीं अकाउंट में तोड़वाए यार। हम लोग बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है और इसलिए ये हुआ है ये चीज, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे साथ एक दो दफा पहले भी हुआ है, मेरा अकाउंट का इशू हुआ है। नहीं कि लोग इस तरह हमें गालियां दे रहे हैं और ये चीज हो गए। हम 3 बजे इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि हम लोग वीडियोस बना रहे थे इस टाइम पे। अच्छा लोग छोटी छोटी चीजें से ना कुछ ना, ये इंसान देखे कितना डिप्रेस है, ये भाई मुझे कब से सॉरी सॉरी कर रहे हैं। बस देख लें छोटी सी गलती कितने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। हाँ भाई अभी तो फर्स्ट टाइम आए, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए सोशल मीडिया पे। इस वक्त 3000 लोग लाइव हैं। अकाउंट हाय आमना खान डिजर्विंग हेटर्स डू ऑल द मेस। अल्लाह पाक पे भरोसा। हाँ हाँ अल्लाह पाक पे भरोसा है पूरा पूरा। वैसे कौन इंसान होगा जिसको इस इंसिडेंट पे अफसोस नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली हमारी अपनी भी हम इतनी वीडियोस बनाते हैं, मैंने ऐसे उनको कहा ऐसा हम इतनी वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जो हम कंटिन्यू वीडियोस बनाते हैं, कंटिन्यू हमारे साथ जो वीडियोस जितने लोग बनाते हैं ना उनको इस बात का पता है। बल्कि बहुत सारे मैं बिहाइंड द सीन्स पुरानी वीडियोस के मैं नहीं भी अपलोड करती, नहीं भी दिखाती, कुछ कुछ के दिखा देती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा जिनको जिनको बुरा दुख हमारी वजह से हुआ है, हमारी जो भी somehow mistake की वजह से, तो उनको still मैं तो ये कहूँगा I'm sorry, लेकिन जो चीज़ वो इस तरह नहीं थी वो चीज़ और तरह थी। मैं इस दुनिया से बेखबर रहती हूँ दरअसल। क्या क्या था भाई। आईफोन दे दो क्यों दो, डांस मजे का था यार वो। मैं वीडियो वैसे इस टी सेट के वो पूरी वीडियो में लाजमी बना के अपलोड करूंगा। कॉमेडी वीडियो एक है, कॉमेडी वीडियो जो के एसएन बहुत जल्दी वो बेसिकली ये था, वो बेसिकली ये था कि एक लड़का जो है ना वो अपना जो एंजॉयमेंट जो होता है ना अपनी वो उसमें वो टिक-चिक-टिक-चिक करके कर रहा है, तो माहत भाई जो है ना वो एकदम आते हैं बिल्कुल उनका मुंह पास होता है और इनका वो ऊपर पहना होता है बेसिकली। अभी है बैटरी, बैटरी है, बैटरी है। उन्होंने वो लपेटा होता है और वो मुझे आके कहते हैं एहसन बेटा, मैं उनसे पूछता हूँ जी ये मदिया ने भी अपलोड किया बल्कि, मैं उनसे बोलता हूँ कौन है कौन है, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि कौन है कौन है कौन है, तो वो पूछते हैं तुम्हारे दिल के पास कौन है सबसे तुम्हारे दिल के सबसे करीब कौन है, मैं बोलता हूँ फेफड़ा वो चीज है, और वो बोल के अपना लग के फिर वो मैं इस तरह करता हूँ बेसिकली। वो ये फनी वीडियो मैं अपलोड करूंगा लाजमी वो भी। मान लो आपने गलती से डांस, भाई मैंने नहीं, मतलब गलती से कौन डांस करता है, गलती क्या हो, मतलब क्या गलती से एकदम खड़े हुए डांस करने लग जाएंगे ये क्या होता है यार। कम अकल जो इंसान होता है ना उसको भी पता है कि ऐसी चीजों पे डांस नहीं होता, खुदा के लिए भाई। मुझे इस बात का, हमें इस बात का इल्म है कि कल तक सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत फैल जाएगी, अभी फैल गई है और बहुत से लोग इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन हमारा फर्ज था हमने क्लियर करना था और हमने क्लियर कर दिया। Anyways, that's it, I guess enough है. तो सही है. Love you, मदीहा आपी. Thank you, Stylo Horan. भाई, मेरी प्रोफाइल अपनी अच्छा वाह वाह यहाँ हम लोगों के साथ अपना बड़ा आप लोग मेरी प्रोफाइल सबा और पता नहीं जो भी नाम है उनका जी नहीं माँ भालू रैपर अस्सलाम वालेकुम भालू भाई कैसे हैं ठीक है यार एक मसले में मसला हो गया अस्सलाम वालेकुम ये भालू भाई भी मुझे जानते हैं। खैर एनीवेज अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला इस चीज़ को देखा, अपना ख्याल रखें और अगर ये चीज़ नहीं होती कम होती तो आई डोंट नो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। बस एनीवेज अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
भाई आपको आना था बीच में यार, वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो कंटिन्यू है, बैटरी लो है, बैटरी लो है, रिंग लाइट की बैटरी लो है यार कंटिन्यू रखो आना यार, तुम जाओगे सामने सेम वीडियो कंटिन्यू को मैं क्रॉप।